एक भजन की फरमाइश हमारे इस कमेटी के द्वारा की गई है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोपी रूप धारण करके राधा रानी के पास जाते हैं और जब बरसाने पहुंचे हैं तो मानो कि राधा रानी भी प्रतीक्षा कर रही हो कि कोई गोपी लीलहारी का रूप धारण करके आए ताकि मैं अपने बदन पर मेरे कृष्ण का नाम लिखवा सकूं। देखिए आशिक तो बहुत है ठाकुर जी के दुनिया में और भक्त की बहुत है दुनिया में, लेकिन जो प्रेम जो भाव राधा रानी का था शायद वो किसी और का ब्रह्मांड में सुनने को ना मिले। तो आज राधे रानी के पास जैसे ही मोहन पहुंचे हैं तो पूरा एक गोपी का रूप धारण किया हुआ है। राधे रानी के पास गए हैं तो राधे रानी ने उस लिलिहारी का हाथ पकड़ लिया। लिलिहारी तो आप समझते होंगे, पहले जमाने में जो हमारे शरीर के ऊपर जो माताएं लीला गुदवाती थी, जिनको बदलते जमाने में आज टैटू कहते हैं, उसको पहले लीला कहते थे, और टैटू मेकर आज के जमाने में जिसको कहते हैं वही उसको हिंदी में लिलिहारी कहते थे। तो लिलिहारी का रूप बनाकर के मोहन गए हैं और राधे रानी कहती है, अरे गोपी मैं तो बड़े दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी तेरी और आज लगता है कि मेरा ख्वाब पूरा हो गया। बस एक ही शब्द मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ, वो बात क्या है सुनिए। बड़ा मीठा सा भाव का भजन है, भाव के साथ चलेंगे। तेरे हाथ में सत्य की कलम हो और धर्म की दवात, और जो जो मैं तो उसे कहूं बस वही लिख दे बात। और शुरुआत कहां से करनी है कि मेरी बहना केशों पे कलमलहारी, मेरे मस्तक पे मोहन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। बोल बांके बिहारी लाल की। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखो केशों पे कली मलहारी, कली यानी हृदय और मल यानी मैल, और हारी उसको हरने वाला उस कृष्ण प्रभु का नाम लिख दें। कि तन पे नाम लिखो चितला के री बहना, मन में तू अति हर्षा के, लिख दे मन लगन लगा के, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। लीला गोदने वाले तो आज भी हैं और लीला आज भी गुदवाई जाती है, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लिखवाया जाता। आज के युवा जनरेशन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो कृष्ण आपके लिए हो जाएगा वो दुनिया वाले नहीं होंगे। आइए इस भजन का भाव बहुत ही मीठा सा है। कितन पे नाम लिखो चितला के, पहना मन में तू अति हर्षा के, लिख दे मन लगन लगा के, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। मेरी बहना के शो पे कल मुलहारी, मस्तक पे मोहन मुरारी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। कितन पे नाम लिखो चितला के, पहना मन में तू अति हर्षा के, लिख दे मन लगन लगा के, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। मेरी बहना सो पे
कहती है बहन आगे जो मुझे नाम लिखवाना है सुन कि भक्ति पे भयनाशक लिख दे ओ भक्ति पे भयनाशक लिख दे भक्तों के रखवाले अरे पलकों पे पीतांबर धारी जग के पालन हारे अरे पलकों पे पीतांबर धारी जग के पालन हारे ओ पलकों पे पीतांबर धारी जग के पालन हारे ई नैनो पे लिख नटवर नागर नैनो पे लिख नटवर नागर हे नैनो के तारे बहना मेरी बहना मेरी बहना कोरों पे कृष्ण मुरारी गालों पे गिरवर धारी लिख दे लिखाओ जो जो नाम में मेरी बहना केसों पे खलमल हारी मस्तक पे मोहर मुरारी लिख दे लिखाओ जो जो नाम जगत पिता विराजमान है वो भी गोपी रूप में तो राधे रानी का ख्याल उस वंशीधर के पास पहुंच जाता है। राधे रानी को नहीं मालूम कि नाम अभी कहां तक लिख गया। श्री कृष्ण ने हल्का सा झटका दिया, राधा आखिर तुम्हारा ध्यान कहां है? तो सिर्फ एक बात कहती है राधा रानी कि मैनू इश्क दा लगिया रो बोलो वंशीधर भगवान की। और एक बार सोच के देखो कि वो बंसी कितनी भाग्यशाली होगी जो हमेशा कृष्ण के होठों से चिपकी रहती होगी। उस वंशी का एक्सप्लेन नहीं कर सकते। राधे रानी कहती है बहन सुन कि निर्विकार नाशिका पे लिख दे निर्विकार नाशिका पे लिख दे नटकट नंद दुलारी अरे अधरों पे लिख एक अगोचर मोहन बंसी अरे अधरों पे लिख एक अगोचर मोहन बंसी मारे ओ अधरों पे लिख एक अगोचर मोहन बंसी मारे चतुर्भुजी लिख चमक पे मेरे चमके चंदा तारे चतुर्भुजी लिख चमक पे मेरे चमके चंदा तारे मेरी बहना कानों पे करुणा धारे
कृष्ण सबसे ज्यादा किसको चराया करते थे? गैया मैया सबसे ज्यादा प्रिय थी। मेरी बहना कानों पे करुणा धारे, ग्रहवा पे गौ रखवारे, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में मेरी बहना के सोपे कलमलहारी। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, इसके पश्चात जब कृष्णावतार हुआ है तो आज वो ही लक्ष्मण जी बड़े भैया बन के आए हैं। और ठाकुर जी के भैया का क्या नाम है? हाँ जी, जो रोहिणी जी के पुत्र हैं। बोलो बलदाऊ जी महाराज की। माताओं से एक प्रश्न है छोटा सा, अभी तक राधा रानी ने कहां तक नाम लिखवा लिए? हाँ जी, ये कहती हैं बहन कि ग्रहवा पे गौ रखवारे और लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। अंतिम लाइन में यूं कहती हैं कि एक नाम और लिखना है, वो नाम कौन सा होगा? कि जांघों पे लिख जीवन दाता, जांघों पे लिख जीवन दाता, पार लगावे नैया। घुटनों पे घनश्याम घनेरे गोपी निरास रचैया। ओ घुटनों पे घनश्याम घनेरे गोपी निरास रचैया। ओ घुटनों पे घनश्याम घनेरे गोपी निरास रचैया। की प्रेम पुजारी लिख पिंडली पर बलदाऊ को भैया। की प्रेम पुजारी लिख पिंडली पर बलदाऊ को भैया। हो गई भजन में, पता ही नहीं कहां बोला है कि प्रेम पुजारी लिख पिंडली पर बलदाऊ को भैया। प्रेम पुजारी लिख पिंडली पर बलदाऊ को भैया। कोई कितना भी बड़ा आशिक क्यों ना हो, पैर पे भगवान का नाम नहीं लिखवा सकता। ठाकुर जी के दिल की धड़कन बढ़ गई कि पता नहीं राधा रानी क्या नाम लेंगी। लेकिन कहते हैं राधे रानी, कहती है सखी सुन। हो मेरी बहना, मेरी बहना, ओ मेरी बहना, पंचों पे लिख दे दारी मोहन की। मोहन की कौन है प्यारी? बोल बरसाने वाली की। मेरी बहना, मेरी बहना, पंचों पे लिख दे दारी मोहन की। राधा प्यारी लिख दे लिखाओ जो जो नाम में मेरी बहना के सोपे कलमलहारी। जिस बंसी को कन्हैया ने यहाँ छुपाया था और ऊपर से कसके एक चुनरी बांधी थी, वो बंसी भी उछट के महाराज को सो दूर जाके गिर गई। और जो ही बंसी गिरी, कहते हैं कि राधा रानी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। बोले कान्हा दुनिया सुधर सकती है, परंतु तू टेढ़ी टांग वाले तू कभी नहीं सुधर सकता। क्योंकि श्रोताओं राधे रानी पकड़ गई और यूं कहती है कहीं तुम वही तो नहीं हो। मेरे मन में शंका है, उस शंका को दूर करो। और क्योंकि हमारे शास्त्रों में आप तो बखूबी जानते हैं कि राधे रानी को ठाकुर जी का गुरु कहा जाता है, कि जिस समय कन्हैया ने उस गिरिराज जी को अपनी कन की उंगली के नख के ऊपर धारण किया है, तो ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया तेरी आप पतली सी उंगली में ऐसा कौन सा जादू है? तो सिर्फ एक बात का आंसर करते हैं, बोले कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय।
और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गोवर्धन लिया। बोले कन्हैया आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई और एक प्रश्न का उत्तर और दे दो। हो है इसी बात का मन में संशय बड़ा है ये चक्कर कड़ा तुम बता दो पर।